आज यहाँ शबी रोज़ा जन्नतुल बकरी सुप्पा थाना बाजार खाला के तहत यहाँ जन्नतुल बकरी का रोज़ा मखदूश हालत में था, जिसकी गुंबद भी गिर चुकी थी। उसकी तामीर नौ के लिए आज यहाँ के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया और उसकी संग बुनियाद भी आज रखी गई है। तो मैं आपके चैनल के हवाले से जहाँ जहाँ तक मेरा ये मैसेज पहुँचे, मैं तमाम मोमिनीन से ये अपील करता हूँ कि जिस तरीके से एक जन्नतुल बकरी मुनदिम किया गया मदीने में, तो आप अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी बस्तियों में, अपने करियों में रोज़ा जन्नतुल बकरी की तामीर कराइए। ये एक ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज होगा और जहाँ जहाँ रोज़े तामीर हो रहे हैं वहाँ के ऊपर शिरकत करें आप। और मैं मुखय्यर हजरात से कहूँगा, जो जो जहाँ पर रहते हो, कि कम से कम आप एक जन्नतुल बकरी की तामीर कराइए। और दूसरी मैं एक अपील ये करूँगा कि अंजुमन हाय मातमी से, कि अंजुमन हाय मातमी से मेरी अपील ये है कि अपने जो प्रोग्राम हैं, मरकजी प्रोग्राम जहाँ होते हैं अंजुमनों के, आप अपने घरों में ना करके आप उन प्रोग्रामों को दरगाहों में, करबलाओं में, मस्जिदों में, इमामबाड़ों में करें, तो उससे कौम का रब जब्त रहेगा, वहाँ पे कौम आती जाती रहेगी। जब कौम आती जाती रहेगी, देखिए उस वक्त लोग उस जगह को बेचने की कोशिश करते हैं जहाँ कौम का रब जब्त नहीं होता है। ये भी बिल्कुल आउटर पे है, ये जो रोज़ा जन्नतुल बकरी है और इसके पीछे देखिए वफ़ उमराव महल में बता रहे हैं 19 बीघे का ये पूरा वफ़ है, 19 बीघे का, जिसको पूरी तरीके से लूटा और खसोटा जा रहा है। बहरहाल इसके लिए कौम के मैं हर फर्ज से ये अपील करता हूँ, जिस तरीके से आप अपने घर की लड़ाई लड़ते हैं कि अगर 1 इंच 1 स्क्वायर फीट 1 इंच ज़मीन आपके घर की कोई दूसरा कब्जा कर लेता है तो आप पुलिस थाना करते हैं, मरने पर आमादा हो जाते हैं। उसी तरीके से आप जो अहले बैत की ज़मीनें, अहले बैत के औकाफ़ प्रॉपर्टियाँ बिखरी पड़ी हैं और जो लोग उसको काबिज हो रहे हैं, आप उसके लिए आवाज़ उठाइए। इंशाल्लाह आपके ज़माने का इमाम आपको देख रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह अहले बैत इसकी जज़ा आपको देंगे। बहुत बहुत कैसे कायम करेंगे यहाँ ताउन करने के लिए मोमिन? देखिए यहाँ के ऊपर एक कमेटी है, ये हमारे ग़ुलाम अब्बास भाई हैं और सैयद अली फरजान रिजवी और आसिम भाई हैं। मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर भी एक कैंप लग जाए, एक इसका मरकजी जन्नतुल बकरी का पुराने लखनऊ में एक दफ्तर बनवा दिया जाए और उस दफ्तर में वहाँ पर लोग रब्ता कायम करें। और जैसे हमारे ये ग़ुलाम अब्बास भाई हैं, शहनशाह बिल्डिंग के सामने नखास में अवध पॉइंट के करीब उनकी वहाँ पर दुकान है, वहीं के ऊपर उसका एक मरकजी दफ्तर बन जाए जन्नतुल बकरी तामीर नौ कमेटी का, और वहाँ के ऊपर जो लोग उसमें शिरकत कर सकते हैं वो शिरकत करें। या मुतवल्ली साहब जो हमारे आसिम रिजवी साहब हैं, वो जहाँ के ऊपर भी बताएं वहाँ के ऊपर जो है वो लोग रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फरियाद।